फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि महाराष्ट्र में इन दो तीन दिनों में अलग अलग शहरों में जो फसादात हुए, कई इलाकों के अंदर फसादात हुए, लाइन ऑर्डर ख़राब हुआ, माहौल ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोगों को मालेगांव शहर के अंदर अमन रखना है। मैं अपील करता हूं, हमारे शहर से ये परंपरा है कि खानदेश के लोग गढ़ की यात्रा पर शहर से जाते हैं, कई हज़ारों लोग पैदल यात्रा करते हुए कलवन गढ़ के ऊपर जाते हैं। ये दो तीन दिन के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे शहर से गुज़रते हैं हमारे हिंदू भाई। तो मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि हम लोगों को पुरअमन तरीके से रहकर शहर का माहौल ना ख़राब हो, यह हम तमाम ही लोगों की जिम्मेदारी है। रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, बरकत वाला महीना, हम लोगों को इबादत करना है, रोज़ा रखना है, तिलावत करना है, नमाज पढ़ना है, उस पर हमारी तवज्जो होना चाहिए। या महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, शहर में कोई तनाज़ा ना हो, शहर का अमन ख़राब ना हो, ये तमाम ही चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है कि शहर के अंदर अमन रखना है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूँ। औरंगाबाद के अंदर बोलो, जालना शहर के मुकरदन के पास कहो, या जलगांव के पालजी शहर के अंदर, दो फिरकों के अंदर रामनवमी के त्यौहार के ऊपर कुछ न कुछ दो ग्रुपों के अंदर मामला हुआ। हम मालेगांव शहर के लोगों से अपील करते कि अल्लाह पाक ने ये मुकद्दस महीना रमज़ान का इबादत के लिए नाजिल किया है, और ऐसे मौके के ऊपर हम लोगों को अमन के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन रहे। और अमन की जिम्मेदारी ज़रूरी नहीं है किसी एक फिरके के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिलके हर त्यौहार मनाते हैं। उसके लिए मैं खास तौर पे मालेगांव शहर के लोगों से अपील करने के लिए अपील कर रहा हूँ कि हमारे खानदेश शहर से अमलनेर हो गया, शिरपुर हो गया, इस साइड से गढ़ की यात्रा शुरू है, और हमारे भाई लोग यहाँ से हमारे शहर से गुजरते हैं पैदल, उनका इस्तकबाल करना चाहिए और उनको पानी वगैरह जो भी है लगता है उनको देना चाहिए। एक अच्छी भाईचारगी भाईचारा इसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जाएगा। मालेगांव के लोगों के ऊपर हमेशा शहर की नज़र रहती है, हर जगह के लोगों के ऊपर, तो इनका त्यौहार शुरू है, ये गढ़ के ऊपर हमारे भाई लोग जा रहे हैं। मेरी अपने तमाम मुसलमान भाई लोगों से गुजारिश है मालेगांव के, क्या भाई कोई भी चीज़ को उनका इस्तकबाल करे, और कोई अगर उसकी वजह से कोई बात होती है तो कानून को हाथ में ना ले, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और वो कर रहा है। पूरी पुलिस बंदोबस्त, मेरी डिजिटल एसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से पुलिस बंदोबस्त लगाया है, और मेरे जो हालात है शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं, इधर आजू बाजू के जो हालात है अल्लाह ताला हमारे शहर के ऊपर ना हो, हम लोग उनका इस्तकबाल करें। उन्होंने यहाँ से जाने के बाद बोलना चाहिए कि मालेगांव के लोग अच्छे हैं, मालेगांव के शहर के लोगों का पैगाम अच्छा जाना चाहिए, मेरी शहर के लोगों से अपील है, और वही चीज़ को कानून हाथ में ना लेते हुए पुलिस का भी काम करे, और जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं उनको भी अपनी जो भी है मदद, अपने इसमें लिखा है हदीस के अंदर, भले ही वो नहीं है, वो अगर गैर भी है तो उनकी ये करो, और उनके उसका सवाब मिलता है अपने इसके अंदर, और रमज़ान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका सवाब अपने को आराम में मिलेगा, और कोई कानून हाथ में ना ले, कोई बात होती अगर है तो पुलिस अपना काम करेगी और अपन ने अपना काम करेगा।